दोस्तों, आप भी इनशॉट ऐप यूज़ करते हैं? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इनशॉट में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किस तरह किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से अपना इनशॉट ऐप को खोल लें। अब आपने वीडियो पे क्लिक करना है, अब आपने न्यू पे क्लिक करना है, अब आपने वो वीडियो लेनी है जो आपका बैकग्राउंड है, वो आपकी वीडियो या फोटो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अब आपने यह टेक्स्ट फिल्टर, उसके आगे लिखा हुआ है पिप पी आई पी पिप, इस पर ओके करना है। अब आपने वो वीडियो लेनी है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। रिसेंट के आगे डाउन एरो का बटन है, इस पर ओके करना है। सारे फोल्डर आपके शो हो जाएंगे। आपकी वीडियो कहीं भी हो सकती है, उसको इंपोर्ट करें। लाइक मैं ग्रीन स्क्रीन इस्लामिक वीडियो, ये हार्ट हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। मैं करूँगा ये बटन जो गोल दायरा बना हुआ है ना, ये है फिट टू स्क्रीन, मैं ये करता हूँ। अब ऊपर वाली यानी ग्रीन स्क्रीन जिसकी आपने रिमूव करनी है उसको सेलेक्ट करना है। अनसेलेक्ट हो गया, अब सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। अब आपने क्रोमा की, ये लिखा हुआ है, इस पर जाना है। क्रोमा की पे ओके करने के बाद ये जो दायरा बना हुआ है इसको ग्रीन जगह पर लाना है। अभी पूरा ग्रीन इसलिए है क्योंकि हमारी जो वीडियो है ना वो बैकग्राउंड में है। इसको मूव करूँगा ऑटोमेटिकली ग्रीन पिकअप कर लेगा। एक दफ़ा मूव करता हूँ। दोस्तों देखें, पिकअप कर लिया, हमारा बैकग्राउंड शो हो गया। अगर अब आपको लगता है ना कि साइडों से एजेस आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन जो लाइनें आती हैं आ रही हैं, तो स्ट्रेन को बढ़ा सकते हैं जहां तक पॉसिबल हो। ज़्यादा बढ़ाने से आपको पता है आपका फेस ब्लर हो सकता है, हाइड हो सकता है, ओके। तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ाएँ। शेडो की ज़रूरत हो तो ब्लैक शेडो थोड़ा सा बढ़ा दें। अब ओके, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। तो दोस्तों, आपकी वीडियो का बैकग्राउंड देखो कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो गया। ग्रीन स्क्रीन आपकी पता ही नहीं है या नहीं है। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।